दोस्तों पार्थ और मैं निकल चुके हैं केदारनाथ की तरफ। करंटली वी आर एट सीतापुर और यहाँ पे बहुत बड़ी क्यू लग चुकी है। जैसे जैसे आप मंदिर के पास जाओगे वैसे वैसे रेट बढ़ने वाले हैं। सो अभी यहाँ पे मैगी है 150 रुपीज़ की, पानी की बॉटल है 70 रुपीज़ की। बस यही तो चाहिए था मुझे। और फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं। लोग यहाँ पे सुबह 7 बजे से लाइन में लगे और अभी शाम के 5 हो रहे हैं, अभी तक उनका नंबर नहीं आया। तो यस 6 बजे हमें किसी भी हालत में ट्रेकिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम गोरीकुंड। करंटली वी आर एट सीतापुर और यहाँ पे बहुत बड़ी क्यू लग चुकी है। यहाँ से केदारनाथ भी दूर है जो कि हमें अभी दूसरे ट्रेवल्स में जाने का है, लेकिन जस्ट क्यू के लिए इतनी बड़ी लाइन लगी है आप सोच सकते हो। और यहाँ पे बहुत भीड़ है गाइस। मुझे लगा कि यहाँ तक ही लाइन है लेकिन मैं वहाँ पे देख रहा हूँ वहाँ तक लाइन है। अरे बाप रे, 2-3 घंटे इसमें ही गए। हाँ सुबह के 2 बजे से खड़े। अरे बाप रे, फिर तो हमारा काम तमाम है अभी। ओके सो फ्रेंड, फ्रॉम द लास्ट 1 आवर आई एम इन द क्यू और भी 1 घंटा लगने वाला है क्योंकि लाइन बहुत बड़ी है। गाइस पिछले 2 घंटे से हम लाइन में लगे और वहां पे जाके क्या था, बस स्कैन करना था और वो भी मैंडेटरी नहीं था। हमारे ग्रुप में से आधे लोगों का तो स्कैन भी नहीं किया, फिर भी इतनी बड़ी लाइन है वहां पे 2 घंटे की। क्या था उस लाइन में, आधे लोगों का स्कैन भी नहीं किया, बस जाने दिया। देन फिर लाइन बनाने का मतलब क्या है। अभी फिर से हम लाइन में लग चुके हैं और ये लाइन शायद बोलेरो की है। ओके सो गाइस करंटली वी आर एट सोनप्रयाग एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द गोरीकुंड। सो वी हैव टू गो देयर बाय बोलेरो। बोलेरो एक गाड़ी करनी पड़ती है, 50 रुपये उसका भाड़ा रहता है, जस्ट उससे जाना पड़ता है। बट मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि आपने फालतू में लोगों को लाइन में खड़ा किया लेकिन वो स्कैन भी आपने नहीं किया। इट्स मॉर्निंग 8 AM राइट नाउ एंड स्टिल वी आर इन द क्यू। सो गाइस वी हैव स्टार्टेड विद द ट्रैक। सब लोग आ रहे हैं और ये स्टार्टिंग में थक चुके हैं। आर यू टायर्ड? या यस या ये तो घोड़ा करने वाला है, घोड़ा। फाइनल वी हैव स्टार्टेड विद द ट्रैक ऑफ केदारनाथ। आई एम सो एक्साइटेड। आई नो कि मैं आगे जाके थकने वाला हूँ लेकिन जब तक एनर्जी है तब तक चलना है। तो इट्स माय ड्रीम और ये ड्रीम मेरी आज कंप्लीट होने वाली है। ओके सो ऑल्सो वन थिंग कि अभी तो सुबह के 9 बजे हमने एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट किया है। सो लेट्स सी हम ऊपर कितने बजे तक पहुँचते हैं। अभी मैं घोड़ा कर रहा हूँ तो घोड़े के लिए उन्होंने मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिया है। अभी आगे जाके पर्ची बनानी पड़ती है और यहाँ पे बहुत भीड़ हो चुकी है। वैसे हम ट्रेक करके जाने वाले थे लेकिन हमें उसके आगे बद्रीनाथ जाना है एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग दी चारधाम यात्रा मुझे अमृतसर भी जाना है। तो शायद मेरी तबीयत वगैरह खराब हो गई, उससे अच्छा मैंने घोड़ा कर लिया। यहाँ के रेट है 3,200 रुपीज वन साइड के हमें इतने लगे और आते वक्त हम चल के आ जाएंगे। थोड़ा इधर आएगा क्या? नहीं आएगा। अरे मैं तो हवा में हो जाऊंगा फिर। पाँव दो मेरे को, मैं बैठाता हूँ तुम्हारे। तो पार्थ और मैं निकल चुके हैं केदारनाथ की तरफ घोड़े पे। अब देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। अभी तो सुबह के 10 हो रहे हैं। भैया ने कहा कि 2 बजे तक पहुंच जाएंगे लेकिन मैं पकड़ के चल रहा हूँ 4 बजे तो भी पहुंच ही जाएंगे। लास्ट टाइम जब मैं 5th स्टैंडर्ड में वैष्णो देवी गया था ना, उस टाइम में मैं घोड़े पे बैठा था, उसके बाद मैं कभी बैठा नहीं हूँ। तो उसके बाद सीधा 10 साल बाद आज बैठ रहा हूँ यहाँ पे घोड़े पे। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रेट्स आपको एक घोड़े का 3,200 रुपीज पे करना होता है लेकिन आप यहाँ पे आके बार्गेनिंग भी कर सकते हो तो आपको थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। तो हमारा अभी गवर्नमेंट रेट से थोड़ा सा कम में हो चुका। चल मेरे भाई, बस मेरे को आराम से लेके जा। गाइस मुझे डर इस बात का लग रहा है कि ये हॉर्स जो है बहुत ही कॉर्नर से चल रहे हैं और उस साइड में बहुत बड़ी खाई है। जय बाबा केदार, सब अच्छा ही होगा। जैसे गाइस फ्रॉम द लास्ट 15 मिनट्स ये घोड़ा चल रहा है और अभी मुझे डर नहीं लग रहा है, मतलब अभी ठीक है, अभी कंफर्टेबल हो चुका हूँ मैं इस पे। ऑल्सो वन थिंग गाइस, अभी 15 मिनट हो चुके हैं फिर भी मुझे इसका ठंड वगैरह कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो यस ज़्यादा ठंडी नहीं है लेकिन शायद ऊपर जाके ठंडी बढ़ जाए। भैया का क्या स्टैमिना है, अभी तक एक भी स्टॉप नहीं लिया उन्होंने, कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं और सभी घोड़ों को हमने ओवरटेक किया, हमारे आगे एक भी घोड़ा अभी तक नहीं है। भैया तो कह रहे कि 1.5 घंटे में पहुंच जाएगी ऊपर। लेट्स सी। 6 किलोमीटर क्या हमने अभी तक, और छोटी कितना और 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर। ओके सो 6 किलोमीटर बाद हमारा पहला स्टॉप है। नॉन स्टॉप चल रहे हैं भैया कब से। अरे
का पार्क। गाइस मेरी भी बहुत इच्छा थी कि चल के जाओ, लेकिन पिछले दो दिनों से थोड़ी सी तबीयत खराब थी। एंड वन मोर रीजन था कि ये सब चार धाम होने के बाद मेरे सारे दोस्तों घर पे चले जाएंगे, लेकिन मैं जाने वाला था गोल्डन टेम्पल अमृतसर। तो मेरी और भी आगे यात्रा है, सो डेट्स वाई अगर आज मैं चल के जाता था तो शायद मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। दोस्तों ये जो रास्ता है ना, ये नया रास्ता है, पुराना रास्ता कुछ और था, लेकिन तबाही के बाद सब कुछ हथे बदल गया। लेकिन एक चीज तो है कि तबाही आने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने दो गुना यहाँ पे डेवलपमेंट किया। मीन्स पहले ये कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी बहुत डेवलप कर लिया है इन्होंने। और ऊपर बारिश का माहौल हो चुका है, बादल आ चुके हैं। और पुराना रास्ता कौन सा था भैया? ये अच्छा, ये पुराना रास्ता था और ये अभी नया रास्ता है। और यहाँ से पूरी तबाही आई थी, मंदाकिनी नदी। तो सच बताऊँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं केदारनाथ है। ये सब मैंने टीवी पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ। दिस वॉज माई ड्रीम प्लेस और फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो अभी हमारे दोनों पहलवान का आराम करने का समय, बस हम एक घंटा चले और भाई लोगों ने हमको आधे रास्ते से भी आगे पहुंचा दिया है। एक घंटे में हम 60% ऊपर आ गए, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा इतने फास्ट कैसे पहुंच रहे हैं हम ऊपर। और एक चीज़ है, अभी अपन ने घोड़े के लिए 3,200 रुपये दिए, लेकिन ये मैं चल के आता ना, यहाँ पे पानी के रेट 100 रुपये बॉटल है, बहुत महंगे रहे। तो अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, और कुछ लग भी नहीं रहा कि कुछ खाने की ज़रूरत है। तो ये हम चल के आते थे ना, तो उसमें हमारे 600-700 रुपये तो चले ही जाते थे। गाइस अगर आप चल के आ रहे हो केदारनाथ, तो आपको हाइड्रेटेड रहना है, आपको बार बार पानी पीना है, बिकॉज यहाँ पे डिहाइड्रेशन की बहुत ही प्रॉब्लम्स है। और अभी तक मुझे ऑक्सीजन का मतलब कुछ ऐसा इशू नहीं लगा है यहाँ पे। और गर्मी भी है, मतलब ठंडी तो नहीं बज रही है, लेकिन ऊपर जाके देखते हैं, और मुझे यहाँ से बर्फ भी दिखाई दे रहा है ऊपर। धवल आप ऊपर जाके आए क्या? बर्फ लगा क्या आपको? ज़्यादा नहीं है क्या? और कल बारिश हो रही थी क्या? नाइट में हुई थी। और दर्शन के लिए कितना लाइन लगा आपको? टाइम 2 बजे से लाइन लगे आपने, तो कब हुआ दर्शन आपका? 6-7। और अगर यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क की बात करूँ, तो यहाँ पे जियो का फुल नेटवर्क है, मुझे कोई इशू नहीं हो रहा है इंटरनेट यूज करने में। तो 5G भी यहाँ पे चल रहा है, ओनली जियो, हाँ बाकी दूसरे सिम नहीं चलते, सिर्फ जियो चलता है यहाँ पे। स्टिल 5 किलोमीटर टू गो, सो यस वी विल रीच वेरी सून। हैड्स ऑफ टू दोस पीपल जो चल के आ रहे हैं, बहुत मुश्किल रास्ता है। मुझे लगा इजी होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल रास्ता है। कब से मुझे बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चले ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एसी पे भी नहीं मिलेगी एसी हवा चालू है इस साइड में। दोस्तों अभी अपना स्टॉप आ चुका है, और थैंक्स टू भैया जिनके वजह से हम बहुत जल्दी ऊपर पहुँच गए। ओके सो थैंक यू भैया, आपने इतने जल्दी ऊपर पहुँचा है। भैया ने 2.5 घंटे में हमें ऊपर पहुंचा दिया, अभी हमारे पास पूरा दिन है। थैंक यू सो मच। ओके सो गाइस अभी हम ऊपर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से अभी चल के हमें जाना है मंदिर के पास। लेकिन हाँ 2 किलोमीटर चलना है, लेकिन उससे पहले तो कुछ खाएंगे, बहुत भूख लगी है कब से। नीचे से लेके तो ऊपर तक हमने बस 2 बूंद पानी पिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया है। जैसे जैसे आप मंदिर के पास जाओगे, वैसे वैसे रेट बढ़ने वाले हैं। सो अभी यहाँ पे मैगी है 150 रुपीज़ की, पानी की बॉटल है 70 रुपीज़ की, और अभी भी हम मंदिर के पास नहीं पहुँचे, तो आगे जाके तो और भी बढ़ जाएगी। ओके सो हमारी मसाला मैगी भी आ चुके हैं। ओके सो राइट नाउ गाइस इट्स रेनिंग एट केदारनाथ, सो हमने अभी रेनकोट वगैरह पहन लिया है। अभी यहाँ से हमें 2 किलोमीटर चल के जाना है। इट्स रेनिंग राइट नाउ इन केदारनाथ, बहुत ही ज़्यादा बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश है। वाओ बस यही तो चाहिए था मुझे। और गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैंप्स होते हैं, सो लोग यहाँ पे स्टे करते हैं। अभी हमारा कैंप नहीं है, हमारा तो होटल है, सो आगे जाके मंदिर के पास ही हमारा होटल है।
ओके सो राइट नाउ गाइस हम मंदिर के बहुत ही पास में पहुंच चुके हैं, हेलीपैड भी पीछे चला गया है। और सबसे पहला टास्क यहाँ पे है कि हमें हमारा होटल ढूंढना है, बिकॉज अभी जस्ट बारिश हुई है, आधा में गीला हो चुका हूँ। लिटरली गाइस थोड़ा सा इमोशनल टाइप लग रहा है कि मेरे सामने मंदिर है सामने, और फाइनली पहुंच गया हूँ यहाँ पे। लेट मी शो यू, ये देखिए मंदिर दिखना शुरू हो चुका है। अभी फिलहाल मैं सबसे पहले तो रूम में जाऊँगा, बैग वगैरह रखूँगा और फिर जाऊँगा दर्शन लेने के लिए। 10 बजे हमने ट्रेकिंग स्टार्ट की थी, अभी 2 बज रहे हैं और फाइनली हम पहुँच चुके हैं। वो देखिए मुझे सामने मंदिर दिखाई दे रहा है। फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। दोस्तों मैं होटल गया था और 2 मिनट में चेंज अप किया और अभी लाइन में लग रहा हूँ। तो देखिए कितना भी टाइम लगे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं नंबर अभी लगा रहा हूँ। ओके सो दोस्तों अभी हम लाइन में लग चुके हैं, ये भैया ने मेरी बहुत मदद की। अभी बस 100 मीटर में मेरा नंबर लग जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों ये है भीमशिला, जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तब इसी पत्थर ने इस मंदिर को बचाया था। लोग यहाँ पे सुबह 7 बजे से लाइन में लगे और अभी शाम के 5 हो रहे हैं, अभी तक उनका नंबर नहीं आया। और जब मैं मंदिर के पास गया तब वहाँ से नई लाइन स्टार्ट हुई, वहाँ पे पुलिस अंकल थे, मतलब चल जा, तो मैं भी चला गया उसमें। यहाँ पे कब से बारिश हो रही है और जब मैं दर्शन करने गया बारिश रुक गई। सो राइट नाउ गाइस इन केदारनाथ अभी यहाँ पे आरती स्टार्ट हो चुकी है। मैं शाम से यहाँ पे घूम रहा हूँ लेकिन मेरा मन भर ही नहीं रहा, मैं कब से भगवान के यहाँ पे हूँ, मेरा मन ही नहीं भर रहा है यहाँ पे। दोस्तों आज बाबा जी के 2 बार दर्शन हुए, एक दोपहर के टाइम में और जस्ट अभी मैंने दर्शन किया है। अभी मंदिर बंद हो रहा था, बहुत कम भीड़ थी तो मैं चला गया और मेरे दर्शन हो गए। अभी केदारनाथ मंदिर के पास हमने जलेबी और समोसा मंगाया और वहाँ से मसाला मैगी आ रही है। एक नंबर। अच्छी क्या जलेबी? एक नंबर। तू ट्राई कर। गरम है ना? ओके। तो आज कितनी ज्यादा भीड़ है, कल मेरा दर्शन 10 मिनट में होता और अभी मैं हेलीपैड के पास हूँ, यानी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर हूँ, तब तक लाइन लगी है।